दोस्तों, अगर आप एक स्मार्ट मोबाइल यूज़ करते हैं तो कॉल फॉरवर्डिंग और कॉल डायवर्ट के बारे में तो आपने लाजमी सुना होगा। ऐसे में इसका क्या काम होता है और कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप एक मोबाइल यूज़ करते हैं तो आपको इस चीज़ के बारे में लाजमी पता होना चाहिए कि कॉल फॉरवर्डिंग क्या होता है, कॉल डाइवर्टिंग क्या होता है और कैसे हम इसके बारे में जान सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को लाजमी लास्ट तक देखिएगा क्योंकि डिटेल के साथ कॉल फॉरवर्डिंग, कॉल डाइवर्ट के बारे में मैं बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कॉल फॉरवर्डिंग की तो ये बेसिकली तमाम स्मार्टफोन्स में ये ऑप्शंस पहले से अवेलेबल होते हैं। अक्सर आपने अपने मोबाइल में या आपने कहीं पे सुना होगा कि कॉल फॉरवर्डिंग एक फीचर होता है, लेकिन आपको इसके बारे में नहीं पता। तो ऐसे में फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि कॉल फॉरवर्डिंग क्या है और बेसिकली इसका क्या काम है और कैसे फ्रेंड्स आप अपने स्मार्टफोन में या अपने नॉर्मल फोन में कॉल फॉरवर्डिंग के फीचर को यूज कर सकते हैं। तो आए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि कॉल फॉरवर्डिंग होता क्या है, उसके बाद इसको हम सीखेंगे कि कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, बेसिकली कॉल फॉरवर्डिंग और कॉल डाइवर्टिंग जो है वो एक ही चीज होती है, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें कॉल फॉरवर्डिंग की तो आपको आसानी से समझ आ जाएगी कि कॉल फॉरवर्डिंग होती क्या है, क्योंकि डिटेल से हम इसको समझने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहली चीज को अगर हम देखें तो हमारे पास आता है कॉल का वर्ड। कॉल का मतलब होता है कि किसी को कॉल करना, वो फ्रेंड हो सकता है, फैमिली मेंबर हो सकता है, कोई भी पर्सन हो सकता है। और यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो वो आता है हमारे पास फॉरवर्डिंग। फॉरवर्डिंग का मतलब होता है कि किसी को बाईपास करना, मीन्स कि कॉल किसी को थ्रू करवाना, भेजना या करना। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मॉरल ये निकल के आता है कि जो कॉल फॉरवर्डिंग होती है, अगर कोई पर्सन आपको कॉल करता है तो आप आसानी से कॉल डाइवर्ट कर सकते हैं, कॉल को फॉरवर्ड कर सकते हैं किसी और नंबर के ऊपर। तो बेसिकली फ्रेंड्स यही प्रोसीजर जो है वो कॉल फॉरवर्डिंग कहलाता है कि एक पर्सन की कॉल फॉरवर्ड कर दी आपने नेक्स्ट पर्सन के ऊपर। चलिए फ्रेंड्स एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं, जिससे आप आसानी से इस चीज़ को समझ लेंगे कि कॉल फॉरवर्डिंग, कॉल डाइवर्टिंग कैसे वर्क करता है और कैसे हम इसको समझ सकते हैं। फ्रेंड्स, बहुत सारे मामलों में ये होता है कि जो पर्सन कॉल फॉरवर्डिंग को यूज करते हैं वो कॉल फॉरवर्ड कर देते हैं अपने फ्रेंड, फैमिली मेंबर या कजन को, लेकिन बेसिकली इसका क्या काम होता है और किस लेवल के ऊपर इसको यूज किया जाता है। बेसिकली ये ऑफिस लेवल के लिए है कि अगर आपने कॉल की है किसी ऑनर को और वो बिजी है तो उसने अपने असिस्टेंट को कॉल फॉरवर्ड कर देनी है। ठीक है, जब भी आप कॉल करेंगे तो सामने वाले पर्सन का नंबर बिजी आएगा, अगर उसने कॉल फॉरवर्डिंग के फीचर को ऑन किया हुआ है तो डायरेक्ट कॉल जो है वो ट्रांसफर हो जाएगी उसके असिस्टेंट को, तो वो आपसे बात करके आपकी अपॉइंटमेंट जो है वो फिक्स करवा लेगा। तो बेसिकली इसको ऑफिस लेवल में यूज़ किया जाता है। अगर आप फैमिली में करना चाहें तब भी कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स में करना चाहें आप तब भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको कॉल फॉरवर्डिंग के बारे में पता चल गया होगा। तो अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि आप अपने स्मार्ट मोबाइल में इस चीज़ को कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे किसी नंबर को फॉरवर्ड कर सकते हैं नेक्स्ट पर्सन को। फ्रेंड्स, इस फीचर को मोबाइल के थ्रू समझने से पहले हम इस चीज़ के रूल समझ लेते हैं कि इसको एडवांस लेवल के ऊपर और लो लेवल के ऊपर कैसे हम यूज़ करते हैं। बेसिकली यूँ है कि आपके पास दो मोबाइल हैं, दो मोबाइल अगर आप एक जगह के ऊपर नहीं लेके जाना चाहते, एक मोबाइल घर पे या ऑफिस में है, तो उसके ऊपर अगर नॉट रीचेबल आता है या नंबर बिजी आता है, किसी की कॉल आ रही है उस बीच में किसी और की कॉल भी आ गई, तो क्या होता है, एक कॉल जो है वो आपको ट्रांसफ़र हो जाएगी, दूसरी कॉल उसके बाद आपको ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो इस हिसाब से ये फीचर जो है वो वर्किंग करता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बैड न्यूज़ आपके लिए ये है कि अगर आप कॉल फॉरवर्डिंग के फीचर को यूज़ करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस जो है वो पे करने पड़ेंगे। इसका काम ये होता है कि अगर आपने कॉल फॉरवर्डिंग को एक्टिवेट किया हुआ है तो वो जो एक्टिवेशन चार्जेस होते हैं वो आपको पे करने पड़ेंगे। वैसे ही होता है जैसे आप सिम के ऊपर पैकेट लगाते हैं या कॉल करते हैं किसी, आपका बैलेंस जो है वो डिक्रीज हो, तो सेम एज यही प्रोसीजर के साथ आपकी जो चार्जेस हैं वो कट होंगे अगर आप कॉल फॉरवर्डिंग के फीचर को ऑन करते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि अगर आपके मोबाइल में पैसे हैं तभी आपका जो नंबर है वो डाइवर्ट होगा या कॉल फॉरवर्ड होगी आपकी सेकंड नंबर के ऊपर। तो आए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर और जानने की कोशिश करते हैं कि मोबाइल के ऊपर हम कैसे इस चीज़ को समझ सकते हैं जो कि कॉल फॉरवर्डिंग या कॉल डाइवर्ट के ऑप्शंस होते हैं। फ्रेंड्स, कॉल फॉरवर्डिंग के ऑप्शन को यूज़ करने के लिए आपने सबसे पहले अपने मोबाइल के डायलर में जाना है और वहाँ पे जाने के बाद मोर के ऊपर आपने क्लिक करना है। वहाँ पे दो ऑप्शंस आपको मिलेंगे, स्पीड डायल या सेटिंग। तो उसके बाद जाना है आपने सेटिंग्स में, वहाँ पे आपकी कॉल्स के रिलेटेड तमाम ऑप्शन जो है वो अवेलेबल हो जाएंगे। फ्रेंड, यहाँ पे आपने एक चीज़ को मद्देनजर रखना है कि जो कॉल फॉरवर्डिंग होती है वो जो सिंपल मोबाइल होते हैं उनमें और ऑप्शन होते हैं, जो स्मार्ट मोबाइल्स होते हैं उनमें और ऑप्शन होते हैं। तो ये याद रहे कि अगर आपके पास नॉर्मल मोबाइल है तो आपने जाना है अपनी सेटिंग में और वहाँ पे जाके आपने कॉल फॉरवर्डिंग को चेक करना है कि वो कहाँ पे अवेलेबल है। तो अगर आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है, स्मार्ट मोबाइल है, तो आप डायलर के थ्रू अपनी सेटिंग्स में जाके
कॉल सेटिंग की ऑप्शंस के ऊपर असेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड सिंपल इज दैट कि आपने यहाँ पे सर्च आउट करना है कि आपको कहाँ पे कॉल फॉरवर्डिंग का ऑप्शन मिल रहा है। तो आपने यहाँ पे सर्च करना है, ऊपर नीचे या कहीं पे भी आपको कॉल फॉरवर्डिंग का ऑप्शन मिलता है तो जस्ट आपने उसके ऊपर करना है क्लिक। तो बेसिकली मेरे मोबाइल के ऊपर कॉल फॉरवर्डिंग का ऑप्शन जो है वो मोर में है, तो मोर सेटिंग के ऊपर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर मेरे पास फॉरवर्डिंग के रिलेटेड तमाम ऑप्शंस जो हैं वो मेरे पास मिल जाएंगे। तो इसमें सेकंड ऑप्शन मेरे पास आ रहा है कॉल फॉरवर्डिंग का। तो जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास दो ऑप्शंस आ रहे हैं, ऑडियो कॉल और वीडियो कॉल। तो मैं सिंपली ऑडियो कॉल के ऊपर यानी कि वॉइस कॉल के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास बाकी ऑप्शंस जो हैं वो अवेलेबल हो जा रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है ऑलवेज फॉरवर्ड। अगर आपके पास कोई ऐसा नंबर है जिसको आपने हमेशा के लिए किसी और नंबर के ऊपर फॉरवर्ड करना है तो आप वो नंबर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और जस्ट आप एनेबल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका ये नंबर हमेशा के लिए किसी और मोबाइल के ऊपर फॉरवर्ड हो जाएगा। और अगर आपने ये चीज़ ऑलरेडी की हुई है तो सिंपली आपने डिसेबल करना है, डिसेबल करके आपने नंबर को डिलीट कर देना है और सेव कर देना है। तो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन आ रहा है फॉरवर्ड व्हेन बिजी। जब आप बिजी हों, आपकी कॉल किसी और के साथ कनेक्टेड हो और बीच में आपको किसी और की कॉल आ जाए तो जस्ट आपने यहाँ पर नंबर ऐड करना है कि अगर ये सिचुएशन हो तो इस नंबर को इस नंबर के ऊपर आप फॉरवर्ड कर दें। तो वो क्या होगा, आप जैसे ही इसको अनेबल करेंगे तो जब भी आपको कॉल आएगी, जब आपका नंबर बिजी होगा तो डायरेक्टली कॉल जो है वो फॉरवर्ड हो जाएगी उस नंबर के ऊपर जो नंबर आपने यहाँ पे ऐड किया होगा। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आ रहा है फॉरवर्ड व्हेन अनआंसर्ड। तो अगर आपका मोबाइल जो है वो अनरीचेबल आ रहा है या अनआंसर आ रहा है, मतलब कोई भी जवाब नहीं आ रहा कॉल करने के बाद, तो डायरेक्टली इस नंबर के ऊपर कॉल फॉरवर्ड हो जाएगी जो नंबर आप यहां पे ऐड करके एनेबल करेंगे। तो लास्ट के ऊपर हमारे पास ये ऑप्शन आ रहा है फॉरवर्ड व्हेन अनरीचेबल। अगर आपका मोबाइल जो है वो रीच में नहीं आ रहा, नेटवर्क का इशू है या कोई भी इशू है, आपका मोबाइल बंद है या फ्लाइट मोड के ऊपर है, तो जो नंबर आप यहाँ पे ऐड करेंगे अनेबल करेंगे उस नंबर के ऊपर डायरेक्टली कॉल जो है वो फॉरवर्ड हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको कॉल फॉरवर्डिंग, कॉल डाइवर्टिंग के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा और इसके साथ आपको ये भी पता चल गया होगा कि मोबाइल के ऊपर हम कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं, कहाँ पर जाके हमने नंबर को पुट्स करना है और उसके बाद कैसे हम इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल के ऊपर नहीं हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ के रिलेटेड वीडियोस डेली अपलोड होती रहती हैं। अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स व्हाट्सएप के ऊपर और फेसबुक के ऊपर। ख्याल रखिएगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।